उसमें हमें कुछ राइट्स दिए गए, जैसे कि राइट टू आइडेंटिफिकेशन है उसमें, राइट टू लाइवलीहुड है, राइट टू एक्सप्रेशन है। आप जैसे जैसे रहना चाहते हो आप वैसे रह सकते हो। आप अगर आप पुरुष और आप महिला के परिधान में रहना चाहते हो, अपने आप को ट्रांसवुमेन एक्नॉलेज करना चाहते हो, तो आपको उसकी पूर्ण अपनी स्वेच्छा से आप वो कर सकते हो। आपको उसकी पूरी छूट दी गई थी। और इसके साथ साथ आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो पब्लिकली, आपको उसकी भी छूट थी। आप किस तरीके से खाना चाहते हो, किस तरीके से कपड़े पहनना चाहते हो, किस तरीके से आप घूमना चाहते हो, उसकी छूट दी गई थी। आप अपनी आईडी कार्ड्स में आप अपने आप को क्या एक्नॉलेज करना चाहते हो, आपको उस चीज़ की छूट दी गई थी। कुछ पॉजिटिव अमेंडमेंट्स हैं, लाइक बेगरी एक्ट में मतलब उसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। अब किसी भी तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा बेगिंग, चाहे वो रेड लाइट हो या बधाई वर्क हो, जो कि एक ट्रेडिशनल वर्क है। जितने भी किन्नर्स, हिजरा, जोगता, जो लोग टोली बधाई करते हैं, दूसरों की खुशी में जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, अपना शगुन लेते हैं, और उसी से उनका जो है खर्चा डेली का वो निकल पाता है। अगर आपको मेल को अपने आप को फीमेल मानना है या फीमेल को मेल मानना है, तो उन्हें SRS थेरेपी या मेडिकल इंटरवेंशन के थ्रू जाना होगा। अभी वो चीज़ भी हटा दी गई है। लाइक अब आप अपनी स्वेच्छा से अपना जेंडर, राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का राइट जो है वो हमें मिल गया है। अगर वो आकर मेरा शरीर चेक करेंगे और मुझे तब वो सर्टिफिकेशन देंगे कि हाँ आप बाबा अपने आप को आइडेंटिफाई कर, एक बार तो आप बोल रहे हो कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का राइट है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई इंसान हमें स्क्रीन करके फिजिकली और तब हमें सर्टिफाई करेगा, तो वो तो बात वही हुई ना कि आप एक हाथ से दे रहे हो तो दूसरे हाथ से ले रहे हो। आदमी और औरत कहीं से जाके कोई सर्टिफिकेट नहीं लेते कि हमें पहले सर्टिफाइड करो कि मैं आदमी हूँ या औरत हूँ। तो फिर थर्ड जेंडर अगर हमें दे दिया गया है नाम, हमें तीसरा लिंग मान लिया गया है, तो हमें किस तरीके की, इस तरीके से सर्टिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। में क्या है ना कि स्क्रीनिंग के बाद अगर वो हमें रिजेक्ट कर देते हैं कि आप ट्रांसवुमन या ट्रांसमैन नहीं हो, तो हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है कि हम किसको जाके अपील करें, हम कहाँ जाएं, किससे गुहार लगाएं। अभी अगर किसी ट्रांस के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होता है या कुछ होता है, तो सेक्सुअली हरासमेंट होती है, तो उसमें जो भी कल्प्रिट होगा उसे दो साल की कैद है। लेकिन अगर मैं अपने आप को एक औरत मानती हूँ, तो हमें एक समान अधिकार क्यों नहीं दिए गए। अगर किसी औरत के साथ सेक्सुअल हरासमेंट या रेप केस होता है, तो जो भी कल्प्रिट है उसे 7 साल की सज़ा होती है। मतलब आप इंसान नहीं देख रहे, आप सिर्फ उसके जेंडर से या उसकी आइडेंटिफिकेशन से ये कैसे जज कर सकते हो कि उस वो जो सज़ा है वो उसको कैसे आपने लेबलाइज किया है। जैसे कोई औरत है, अगर उसे कोई पसंद आता है तो वो उसके साथ शादी करके रह सकती है, आदमी को कोई पसंद आता है वो उसके साथ शादी करके रह सकता है, तो ट्रांसजेंडर्स क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी इस तरीके से बिता सकते हैं। अगर ट्रांसजेंडर माँ नहीं बन सकती, तो एक अडॉप्शन का ऑप्शन भी उनके पास होना चाहिए, जिससे कि जितने अनाथ बच्चे हैं जो बिन माँ बाप के पल रहे अनाथालयों में, उन लोगों को भी शायद एक अच्छा और सिक्योर फ्यूचर मिल पाएगा। कुछ सेंसिटाइजेशंस होनी चाहिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होनी चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट्स में होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स जो हैं ऐसे केसेस लेने से मना कर देते हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड, एक बहुत ही अजीब सा इंसिडेंस था कि वो हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि आप भी बीमार होते हो। हाँ, हमें कुछ हक मिल गए हैं, लेकिन अभी लड़ाई बहुत लंबी है हम लोगों की। सोसाइटी को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि अब इनके पास भी पूर्ण तरीके से अधिकार आ चुके हैं, अब ये भी हमारे समाज का एक संपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं।